दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले कुछ दिनों में ही एक एपिसोड में इस बात की चर्चा की थी कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा, यानी उसकी थ्योरी को एक बार वैज्ञानिकों ने फिर से नकार के नई तरह की कल्पनाओं को गढ़ रहे हैं। अब इसी कड़ी में हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे हाई अल्टीट्यूड वाले पहाड़ों से यानी द हिमालय से 600 मिलियन साल पुराना एक समुद्री जल को खोज निकाला है। दोस्तों यह जल एक सेडिमेंटरी डिपॉजिट में था, यानी रॉक के बीच में यह पानी ट्रैप होकर के इकट्ठा हुआ था और उसी पानी को वैज्ञानिक एक टाइम कैप्सूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में वैज्ञानिकों का यही भी कहना है कि यह जल पृथ्वी के अतीत के कई सारे सुरागों यानी रहस्यों को खोल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टाइम कैप्सूल यानी हिमालय से प्राप्त हुए 600 मिलियन वर्ष पुराने जल यानी समुद्री जल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं इस हालिया रिसर्च की ओर। हिमालय की ऊंचाइयों पर ISC के वैज्ञानिक, निगाटा विश्वविद्यालय और जापान के वैज्ञानिकों ने एक खनिज भंडार में फंसे हुए कुछ बूंदों की खोज की है, यानी यह जो पानी था यह रॉक में ट्रैप हो गया था और इसकी एज वैज्ञानिकों द्वारा करीब 600 मिलियन ईयर्स पहले की बताई जाती है, जो कि प्राचीन में यह महासागरों का पानी रहा होगा। इसके वैज्ञानिक टाइम सीरीज के जरिए कुछ प्रमाण भी देते हैं। वहीं इस डिपॉजिट्स का एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिक बताते हैं कि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही मौजूद हैं। ये टीम उन घटनाओं के लिए संभावित स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये जो ट्रैप्ड वाटर है ये पृथ्वी के इतिहास में एक बड़ी घटना यानी ऑक्सीडेशन घटना के बारे में इंगित करती है। वहीं इस रिसर्च टीम के वैज्ञानिक का कहना है कि हमने पैलियो महासागरों के लिए एक टाइम कैप्सूल खोज लिया है, यानी यह ट्रैप्ड वाटर हमें टाइम कैप्सूल की तरह ही उस समय के टाइम यानी ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में बताती है। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि करीब 700 से 500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें थी, यानी पृथ्वी एक स्नोबॉल जैसी बन गई थी। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई होगी, जिससे दूसरी महान ऑक्सीजन की घटना हुई होगी, जिसके कारण ही अंततः जटिल जीवन विभिन्न रूपों में पनपा और विकसित हुआ हमारी पृथ्वी में। हालांकि वैज्ञानिक अब तक पूरी तरह से इस निष्कर्ष में नहीं पहुंचे हैं कि अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्मों की कमी और पृथ्वी के इतिहास में मौजूद सभी पुराने महासागरों को गायब होने के कारण ये घटनाएं कैसी जुड़ी हैं, यानी ये जो महान ऑक्सीडेशन इवेंट है और इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स है यानी महासागरों में भी बिखराव हो गया, ये घटनाएं आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस निष्कर्ष तक जरूर पहुंच गए कि ये जो ट्रैप्ड वाटर उन्हें मिला है यह स्नोवॉल यानी जब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी उसी समय के आसपास है। यानी इस बात का भी पता चलता है कि तलहटी घाटियों में एक विस्तारित अवधि के लिए कैल्शियम की कमी रही होगी, यानी पृथ्वी से उस समय कैल्शियम की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती थी। साथ ही इन दिनों महासागरों में कोई प्रवाह यानी कोई फ्लो भी नहीं था, यानी पृथ्वी पूरी तरह से जमी हुई थी, जिसके कारण ही कैल्शियम का इनपुट बिल्कुल नगण्य था। कैल्शियम की कमी से संभवतः पोषक तत्वों में कमी हुई होगी, जिससे यह धीमी गति से बढ़ने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी साइनोबैक्टीरिया के लिए अनुकूल समय होगा, जो कि वायुमंडल में अधिक ऑक्सीजन को उगलना शुरू कर सकता है अचानक से। इसे ही प्रकाश कहते हैं, यानी जब भी वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगी तो उसके आसपास जैविक विकिरण का विकास होगा, यानी इकोसिस्टम का डेवलपमेंट उसी समय होगा। साथ ही इस रिसर्च में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जमा प्राचीन समुद्री जल जिसके pH और रसायन विज्ञान की संरचना के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इन्हें अब तक केवल सैद्धांतिक यानी मॉडलिंग के रूप में ही इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि यह वाटर एक टाइम कैप्सूल के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हमारे पृथ्वी में महासागरों के इतिहास के बारे में लंबी चौड़ी कहानी कह सकता है। तो दोस्तों ये थी बात हिमालय से प्राप्त हुए 600 मिलियन वर्ष
पुराने समुद्री जल के बारे में जो कि एक रॉक में ट्रैप्ड हुआ था। नमस्कार।